हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन पाइथन प्रैक्टिकल। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मतलब की पूरी डिटेल मैंने उसमें बताई हुई, आई बटन में लिंक पड़ा है, इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हमें तीन लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, वही सेम नंपाई, पांडास एंड मैट प्लॉट, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया ताकि ये तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। आप देखते हो जो से हमारी ये तीनों लाइब्रेरीज हैं, ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वाली हमने लाइब्रेरीज तो इंपोर्ट कर ली, अब जिस डाटा सेट पर मैं मशीन लर्निंग मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पांडास। आप देख सकते हो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, डाटा सेट इज इक्वल टू, मतलब कि मैं उसमें डाटा कौन सा डाल रहा हूँ, ये सीएसवी फाइल का मैंने लिखा यहाँ पर pd.read csv। मैंने पांडास की हेल्प से सीएसवी फाइल को रीड कर लिया और मैंने जो भी फाइल का नाम था उसे यहाँ पर लिख दिया, या फिर जो भी पाथ होगा आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और डाटा सेट डॉट हेड की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सीएसवी फाइल में कौन सा डाटा प्रेजेंट है, मतलब किस टाइप ऑफ डाटा प्रेजेंट है, ठीक है। और मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद आपके सामने आ गया कि इस सीएसवी फाइल सोशल नेटवर्क एड्स वाली जो ये फाइल है इसके अंदर जो भी डाटा है वो हमारे सामने आ चुका है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें टोटल 5 कॉलम्स है, ठीक है। यूजर आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेस्ड, ठीक है। परचेज में आप देख सकते हो, एक चीज आप देख पा रहे होगी कि यहाँ पर 00 लिखा आ रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारी कौन सी सीरीज चल रही है अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की, ठीक है। तो इसमें जो सी आउटपुट होती है वो 01 या फिर क्लास कैटेगरीज के फॉर्म में होती है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। 0 और 1 भी होगा आगे जाकर, अभी के लिए मैंने थोड़ा सा डाटा सेट ही शो करवाया। जब आप इसे पूरा डाटा सेट को देखोगे ना सीएसवी फाइल में तो आपको 1 वाले कॉलम्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अब ऐसा करते हैं, जो जिसे हम इनपुट देना चाहते हैं और जो आउटपुट है उसे अलग अलग कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो सी एक्स की वैल्यूज है उसे अलग कर दिया, वाई की वैल्यूज को उसे अलग कर दिया। एक्स की वैल्यू मैं ना कौन सी ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एज कॉलम को और एस्टिमेटेड सैलरी को, ठीक है। ये बिकॉज इन सभी में से जो से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ना एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी ही लग रहे हैं, ठीक है। आप जेंडर को भी कंसीडर कर सकते हो, बट इस जो सी एग्जाम्पल है इसमें बस मैं एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी को ही मतलब कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ इनपुट, ठीक है। और वाई को मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ आउटपुट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इसके बारे में वैसे पता होगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स और उसके अंदर मैंने डाटा सेट जो अभी हमने इम्पोर्ट किया, मतलब कि जो सा हमने अभी वेरिएबल क्रिएट किया था ना उसके अंदर मैंने आईलॉग की हेल्प से सारी रोज ले ली कॉलम नंबर जो भी है, कॉलम नंबर कौन सा है 2 और 3, कॉलम नंबर 2 और 3 कहाँ सा है, ये एंड ये। जैसे कि हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, 0 से 0, 1, 2, 3, मतलब कि सेकंड एंड थर्ड कॉलम को हम कंसीडर कर रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं हम एक्स में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अकेली वैल्यूज, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया डॉट वैल्यूज, ठीक है, ताकि जो सी ये वैल्यूज है अकेली वही हमारे एक्स वेरिएबल में आए, ठीक है। सेम हमने वाई के केस में किया, इसमें हमने -1 लिख दिया। -1 का क्या मतलब होता है, जो सा लास्ट कॉलम है उसे हम उठा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट कॉलम क्या कौन सा था, परचेज, उसकी भी हमने वैल्यूज को उठा लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो सी इनपुट है और जो सी आउटपुट है वो तो हमने अलग अलग कर ली एक्स एंड वाई की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसे रन कर लेते हैं ताकि ये एक्स एंड वाई में जो सी वैल्यूज है वो चली जाए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमारी बात आती है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने की, मतलब कि जो सा ट्रेनिंग सेट है उसे अलग कर दो और जो सा टेस्ट सेट है उसे अलग कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एसकेलर्न में से मॉडल सिलेक्शन को मैंने इंपोर्ट किया और उसमें से एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था उसे इंपोर्ट करके उसके बाद ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट को अलग कर दिया। यदि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो आपको इसके बारे में तो पक्का पता होगा, मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा डिटेल में बताने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में ही इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसे रन कर देते हैं, ठीक है। रन करने के बाद क्या होगा, जो सी हमारी एक्स टेस्ट की वैल्यू है वो अलग हो जाएगी, एक्स ट्रेन की अलग हो जाएगी, वाई टेस्ट एंड वाई ट्रेन की वैल्यूज अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये एक बार रन हो जाए, रन होने के बाद हम आगे देखते हैं कि आगे फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमारा काम आ गया फीचर स्केलिंग का, ठीक है। दोस्तों मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है फीचर स्केलिंग के बारे में, ठीक है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो यदि आपको नहीं पता फीचर स्केलिंग क्या होती है, ठीक है। जिनको पहले से पता है उनको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं बस एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो सा हमारा डाटा सेट है उसकी यूनिट्स को हम सेम करते हैं,
ठीक है, बस मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ और मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं पिछली वीडियोस में काफी कुछ बता चुका हूँ और जो से हमारे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको फिर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, उनको ज्यादा वीडियो ये बड़ी मिलेगी, ठीक है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, आगे हमने क्या किया, मेन जो सा हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है ना उसे हम यहाँ पर अप्लाई करें, ये जो से आपको तीन लाइन दिख रही है ना, ठीक है, इस पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, और मैंने एक क्लासीफायर क्रिएट किया, मतलब कि एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम दे दिया मैंने क्लासीफायर, उसके अंदर मैंने डाल दिया, मैंने कॉल किसे किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसे हमने अभी इंपोर्ट किया था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया रैंडम स्टेट इज इक्वल टू जीरो ताकि जो उसकी वैल्यूज है वो चेंज ना हो फर्दर, ठीक है, और मैंने क्लासीफायर डॉट फिट की हेल्प से एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन के बीच में जो सी हमारी प्रिडिक्शन है उसे ट्रेनिंग मोड में लगा दिया, ठीक है, और मैं इसे रन कर देता हूँ, जैसे ये रन कंप्लीट होगा हमारा जो सा डाटा सेट है वो सक्सेसफुली लर्न कर लेगा, मतलब कि वो अब फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई प्रिडिक्ट को प्रिडिक्ट करेंगे, मैं हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं, ठीक है, मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है, अब क्या है हमारी जो सी वाई प्रिडिक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि अब हम जो सी वाई की वैल्यू थी वो सक्सेसफुली प्रिडिक्ट अब हो जाएगी, ठीक है, मैं आपको एक बार शो करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया वाई ब्रेड, ठीक है, और मैंने इसे रन किया, ये आपके पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई, ठीक है दोस्तों, ऐसे वैसे ये आपको ऐसे समझ नहीं लगेगा तो मैं ऐसे करता हूँ ग्राफ की फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वैसे दोस्तों उससे पहले ग्राफ करने से पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि आप में से किसी को भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता तो मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स F1 स्कोर एंड उसके बारे में और भी बहुत सारा स्टफ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव स्टफ है, आप आई बटन में लिंक है उस पर क्लिक करके उसे देख लेना, पक्का देख लेना ताकि आपको इसके बारे में पता लग जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंफ्यूजन मैट्रिक्स में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ही कंफ्यूजन है, ठीक है, वैसे है बहुत इजी, आप यदि वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में बताया, ठीक है, मैं इसे रन कर देता हूँ, जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी है उनके लिए, ठीक है, आपके सामने ये मैट्रिक्स आ चुकी है, इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो से ट्रू वैल्यूज है वो कौन सी है, 65 एंड 24, मतलब कि ये टोटल होगी 5 एंड 4 9 एंड ये हो गई टोटल 6 7 8 89, मतलब कि जो से हमारे पास 89 ट्रेनिंग सेट है वो करेक्ट है, और इनकरेक्ट कौन सी है, 8 + 3 हमारे पास होगी 11, मतलब कि 11 इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस है। अब ऐसे करते हैं ग्राफ की फॉर्म में इसे प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर काफी कुछ कोड लिखा आ रहा होगा, आपको देखने में लग रहा होगा यार ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, है ये बिल्कुल सिंपल सी चीज, ठीक है, जैसे हम पहले प्लॉट करते थे ना वैसे ही हम प्लॉट कर रहे हैं, बस इस बार क्या है कि हम जो से रेड एंड ग्रीन जोन बना रहे हैं, ठीक है, मैं इसे पहले ना इसे रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ग्राफ से इजिली समझ लग जाए, जैसे कि आप देख सकते हो जो से हम पहले जो से ग्राफ बनाते थे उसमें कुछ ऐसा डाटा सेट नहीं आता था, ठीक है, अब हमने क्या किया जो सा ये वाला, हमने जो सा ये वाला कोड लिखा ना यहाँ से लेकर ये वाला कोड, ठीक है, ये कोड क्या कर रहा है, जो ये आपको दिख रहा है ना रेड एंड ग्रीन की फॉर्म में, ठीक है, ये एरिया दिख रहा है, ये इसी कोड की हेल्प से दिख रहा है, ठीक है, आपको ना ज्यादा ये वैसे समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यदि आप चाहते हो इसे समझना तो मैं ऐसे करूंगा, लिंक ना मतलब कि जो सी ये वाली फाइल है इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इसे खुद ब खुद पढ़ के समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी वे में इसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यदि आपको नहीं समझ लगेगा तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों, मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ, ठीक है, ये सब तो आप खुद भी देख सकते हो, बिकॉज मैंने इतना तो आपको समझा ही दिया कि आपको ये चीजें खुद ब खुद समझ लग जाएगी, यदि किसी को नहीं भी समझ लगी ना तो कोई बात नहीं, आपने बस क्या करना है इसे कॉपी एंड पेस्ट कर देना और आगे अपना जो से ये वाला कोड है उसे लिख देना है, ठीक है, बाकी जो से समझने वाले हैं उन्होंने तो समझ ही लेना है, ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो जो सा ये रेड जोन है आपको दिख रही होगा, ये रेड जोन पबजी वाला रेड जोन नहीं, ठीक है, तो ये कौन सा है रीजन से, ये रेड जोन है, मतलब कि इसमें जैसे जीरो वैल्यूज यहाँ आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जीरो वैल्यूज कौन सी है रेड जोन वाली, और जो सी वन वैल्यूज कौन सी है जहां पर ग्रीन है, ठीक है, मतलब कि ये जो सा ग्रीन जोन है यहाँ पर वन वैल्यू है यहाँ पर जीरो वैल्यू है, ठीक है, जो भी ग्रीन पॉइंट्स रेड जोन में एंटर कर रहे हैं ना मतलब कि वो वाली वैल्यूज क्या है इनकोरेक्ट, मतलब कि उसमें हमारा एरर आया है, ठीक है, और जो सी वैल्यूज हमारे ग्रीन जोन में है जहां पर रेड 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 आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये भी क्या है हमारा एरर जो हमने अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखा था,
ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो एरर काफी सारा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तो एरर हमारे पास अकेला थोड़ा सा था, मतलब 11 का ही एरर था। एक्चुअली दोस्तों जो सा एरर है ना वो टेस्ट सेट पर हमने अप्लाई किया है, ठीक है, और जो सा ये ग्राफ है ये ट्रेनिंग सेट का है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, टेस्ट सेट का जो सा मैंने एक और कोड है वही कोड को मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, बस जो सी वैल्यूज है उसे चेंज कर दिया है, ठीक है, मतलब कि इसमें हम टेस्ट सेट को अप्लाई कर रहे हैं। और मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने रन किया आपके सामने ये आ गया, ठीक है, जो भी रेड जोन है वो क्या है, जीरो वैल्यूज, और जो सी ग्रीन वैल्यूज है वो क्या है, वन, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी जगह पर मतलब ग्रीन जोन में एक रेड डॉट है, और जो सा ये रेड जोन है यहाँ पर भी कुछ ग्रीन ग्रीन वैल्यूज है, ठीक है, ये क्या है हमारे एरर्स, ठीक है। जहां पर रेड जोन में रेड वैल्यू है और ग्रीन जोन में ग्रीन वैल्यू है, मतलब कि वो क्या हमारी करेक्ट प्रिडिक्शंस है। और जो सी ये आपको लाइन दिख रही है ना बीच में से सेंटर में से जा रही है, ये हमारी क्या प्रिडिक्शन लाइन, मतलब कि यदि इस लाइन के इधरली साइड कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा जीरो, यदि दूसरी साइड होगा वो क्या होगा वन, ठीक है, ये हमारी प्रिडिक्शन लाइन है। इसकी हेल्प से हम फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में, ठीक है। यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर देना, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय।